सो है गाइस, व्हाट्स अप एवरीबॉडी, बी बॉय है। फाइनली आज हम लोग का व्लॉग है स्नैक पॉइंट पे। आज हम लोग आए स्नैक पॉइंट पे, आप देख सकते हो पीछे हमारे कैसी बिल्कुल सन्नाटा हो रहा है वो पीछे तक। और आज हम लोग यहाँ पे विजिट करेंगे और यहाँ पे स्नैक देखेंगे, अगर कोई दिख गया तो फिर हम उसकी वीडियो बनाएंगे। आज पूरी कोशिश है हमारी। बाबा भी हमारे साथ है, रिजवान भी हमारे साथ है। रिजवान, क्या कहना चाहोगे भाई? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सन्नाटे वाली जगह है ये, बड़ी खौफनाक जगह है और कांटे भी बहुत हैं यहाँ पर। हाँ, और बस देखते हैं हम इसमें। और हम लोग ना बगैर सेफ्टी के हैं, आप देख सकते हो गाइस। आज गर्मी का टेम्परेचर भी थोड़ा हाई रहा, लेकिन हमने सोचा व्लॉग बनाना है, तो हम लोग तकरीबन यहाँ पे 3 घंटे की ड्राइव के बाद हम लोग यहाँ पर पहुँचे और व्लॉग हमने स्टार्ट करे हैं। हमारे पास सिर्फ एक पानी की बोतल है और हम लोग 3 बंदे मैं पी रहा हूँ, थोड़ा सा पानी बचा है। और चलो फिर अभी हम लोग अंदर विजिट करते हैं। आप देख सकते हो ये जो जगह है ना, ये बाबा बोल रहा था ये है पूरा स्नैक पॉइंट। हम लोग यहाँ पर जा रहे हैं, ये पूरा अपना यहाँ पे देखो सब जगह काटे हैं, लेकिन हम व्लॉग की वजह से ना हम घुस जाते हैं कहीं ना कहीं वीडियो बनाने के लिए, हमारे को बड़ी चर्बी है। और ये इस जगह ढूंढ रहे हैं हम लोग, कोई स्नैक नज़र आ जाए हमारे को। अपने पाँव का कांटा दिखा दे, कांटा चिपका हुआ है ये देखो। उस वाले पाँव कौन से, इस वाले में? हाँ ये देखो, आप देख सकते हो हम लोग कैसे जा रहे हैं, कितनी मेहनत कर रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं। ये देखो आप पूरा, इधर अभी हम लोगों को जाना है और इधर हम पूरा विजिट मारते जाएंगे, कोई स्नैक नज़र आ जाए। और काफ़ी हम लोगों को यहाँ पे बिल दिखे हैं सांप के, तो हम वहाँ पे तो छेड़खानी नहीं कर रहे, क्योंकि अगर वहाँ छेड़खानी करेंगे तो आपको पता है किसी के घर में जाओ तो फिर उल्टा लेने के देने ना पड़ जाएँ। तो पहले तो ये कांटों से बच बचा के हम लोग निकल लें। और ये लोग भी आते हुए, ये देखो भाई बहुत बहुत ज़्यादा वृक्ष ही काम है, हम वृक्ष ले रहे हैं, बस करना पड़ता है, क्या करें। अच्छा ये हाईवे चल रहा है ना, ये हाईवे, हाईवे के थोड़ा पास ही है ये जगह। इस जगह पे कोई आता नहीं है सिवाय हमारे, हम लोग ही हैं जो यहाँ पर आ रहे हैं। थोड़ा सा अंदर जाके ना तो ये जगह स्टार्ट हो जाती है। और अगर आप लोगों को वीडियो हमारी अच्छी लगा करे तो यार लाइक कर दिया करो, वीडियो पूरी देखा करो, हमारा बनाने का मकसद ये होता है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और हमारे को सपोर्ट करो, क्योंकि हम लोग न्यू यूट्यूबर हैं। और आप देख सकते हो ये पीछे है, मेरे को जगह नहीं मिली, कहाँ से जाना है कहाँ से नहीं जाना, ये मैं घुस गया। ये देखो कांटा फिर लग गया, बाबा बोल रहा कांटों का ख्याल करो, पैर में नहीं लगे। और आप वो जगह देख सकते हो, इस जगह से हम लोगों ने एंटर मारना है। अभी हम लोग अंदर आ चुके हैं, खाली आ जाओ ना तुम लोग भी आते हुए। ये रिजवान, ये बाबा, पैर बचाना रिजवान, तू पैर बचाइए, तेरे चप्पलें चप्पल थोड़ी अच्छी वाली। हाँ चलो फिर अभी हम लोग अंदर चलते हुए, ये वीडियो हम लोग बना रहे हैं। ये देख भाई, सांप वाप दिखे ना तो थोड़ा दूर हो जाना, क्योंकि खतरा हो सकता है। सही है, आ जाओ। हम लोग इंटर हो चुके हैं, आप हमारी हालत देख सकते हो, आज गर्मी बहुत थी तो पसीना आ रहा है। अभी हम लोगों को, अब ये देखो ये जो जगह है ना, हम लोगों को इधर जाना है। और यहाँ कैसे जाएंगे, अब हम सोच रहे हैं कि कैसे जाएं, लेकिन हम लोगों को जाना लाजमी हो अंदर तक। तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं, यहाँ से निकले, वहाँ से निकले बाबा, वहीं से निकले, यहाँ से रास्ता बंद है, कोई चीज़ भी नहीं है जो रास्ता हटा हटा के जाए, वहीं से निकल सकते हैं। हाँ अगर कोई भरोसा नहीं होता, अचानक कोई चीज़ आ जाए पाँव पे लग जाए, बहुत रिक्शी काम है। ज़्यादा अंदर हम चले तो जाएंगे, लेकिन हमारे लिए ज़्यादा नुकसान है। हाँ यहाँ पे तो पीछे में आता रहे तो खेलता रहे, तो क्रिकेट हम खेलते हैं यहाँ पे पीछे। एक दफा नज़र भी आ गया था हमें साफ, ठीक है, लेकिन अपनी जान हर किसी को प्यारी है, हर कहीं भागने में लगा हुआ होता है, भागना होता है हर किसी को। चलो मेरे को टेंशन हो रही है कि रिजवान ने चप्पल पहनी हुई है और कांटे लग सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा कांटे हैं, हमारी सोच से भी ज़्यादा कांटे हैं। मेरे को लगे हैं 2-3 मरतबा, क्योंकि क्या करें, वीडियो बनानी है हमारे को, आपको बताया है जो क्या हुआ वापस। भाई अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो मैं दोबारा बोल रहा हूँ, आप लोग लाइक करें प्लीज़, और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हमारे को सपोर्ट करें। देखो हम लोग कितनी मेहनत कर रहे हैं, अभी हम लोग आगे भी जाएंगे और आपको दिखाते हैं ये कितनी लंबी जगह है, कितना बड़ा प्लेस है। अभी तक तो हमारे को कोई सांप वाँप नज़र नहीं आया,
लेकिन उम्मीद है हम लोग जा रहे हैं ढूंढ रहे हैं कि शायद कोई सांप नज़र आ जाए। सिर्फ दो बंदे मेरे साथ हैं, एक अकेला मैं हूँ। अगर कोई मसला होता है तो फिर यहाँ पे बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी हमारे को। अभी हम लोग यहाँ से काफ़ी अंदर आ चुके हैं, तकरीबन हम लोग आधा किलोमीटर अंदर आ चुके हैं पैदल, और अभी भी हम लोग अंदर जा रहे हैं। हमारे को कोई सांप वाप नज़र नहीं आया, लेकिन बाबा ने अभी अपने हाथ में एक लकड़ी रख ली है कि अगर कोई नज़र आया तो सेफ्टी के लिए, सेफ्टी लाज, अगर वो हमारी तरफ बढ़ेगा तो बाबा उसको मारने के लिए आगे बढ़ेगा, हम लोग तो हो जाएंगे पीछे, क्योंकि हमें डर लगता है सांप से। लेकिन इतनी हिम्मत हम लोगों ने करी कि हम लोग अंदर चले गए। मकसद यही है कि हम लोग मेहनत कर रहे हैं, आप लोग हमारे को सपोर्ट करो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो कि बताओ व्लॉग कैसा बन रहा है। और अभी मैं जहाँ खड़ा हूँ यहाँ पे खड्डा है, और यहाँ पे अंदर जाना हम लोग नहीं जा सकते क्योंकि रिस्क नहीं लग सकते कि यहाँ पे सांप हो सकता है। ये देखो जंगल है, कहाँ नहीं होगा सांप, नहीं होगा क्या? ये देखो ये हम लोग खड़े हुए, और यहाँ ये बिल है सांप का ना, ये जो है ये बिल है, ये निशान भी पड़े हुए यहाँ पे, सांप आता जाता होगा। तो सांप मामू को हम लोग तंग नहीं करेंगे क्योंकि हम लोग आगे निकलेंगे, आगे देखेंगे, अगर हमें कोई नज़र आया चलता हुआ तो हम उसकी वीडियो बनाएंगे, क्योंकि हम किसी को तंग नहीं कर रहे कि वो बाहर निकले, हम वीडियो बनाए तो उसको गुस्सा आ जाएगा, तो हमारे लिए परेशानी बढ़ जाएगी। आ जाओ, ये देखो एक ये बिल नज़र आया हमारे को, और ये अपना ये सांप का ही लग रहा है मेरे को, पता नहीं क्या है क्या नहीं है। और ये ज़्यादा मैं करीब नहीं करूँगा, क्या पता इसमें से सांप हो, और मैं दूर हो जाता हूँ। बाबा नहीं कर, नहीं कर, नहीं कर, छोड़े, क्या पता बाहर आ जाए एक या दो, चल फिर मर्जी है, क्योंकि भागने की यहाँ पे जगह नहीं है। और ये हमने उसका उसका घर ख़राब कर दिया बाबा ने, अब वो बाबा को रात को ख्वाब में आएगा और बाबा की नींद ख़राब करेगा। ये देखो बाबा फुल भाई डंडा मंडा लेके आया हुआ है, ताकि कोई अगर आ भी गया तो उससे लड़ाई कैसे करनी है। रिजवान भाई से मैं पूछता हूँ, रिजवान भाई डर तो नहीं लग रहा? नहीं नहीं डर नहीं लगता, लेकिन अपना जगह है ये। हाँ अब आगे रिजवान भाई भी आगे हो गए, क्या बोल रहे हो? डर तो नहीं लगता, लेकिन जगह बहुत खतरनाक है, खतरा रहता है, लेकिन डरने वाली कोई बात नहीं है, कोई मतलब नहीं है। कांटा आर पार हो गया, आर पार हो गया, निकालो। अभी तो अभी काफ़ी जगह पड़ी है, अभी अंदर जाना, अभी देखते हैं कोई हो या ना हो, इन अभी देखते हैं। नहीं होगा, ज़रूर मिलेगा, क्योंकि जंगल बहुत खतरनाक जंगल है, आप कुछ देख सकते हैं, स्थान थोड़ा सा दिखाएगा आपको। हाँ इसका नाम ही स्नेक पॉइंट है, स्नेक पॉइंट के नाम से मशहूर है। ज़रूर मिलेगा इंशाल्लाह, आपको दिखाएंगे, हमें दिखा तो आपको भी दिखाएंगे। हर नस्ल का आपको स्नेक लाजमी नज़र आ जाएगा, लेकिन अभी हमें नज़र नहीं आ रहा, अभी हमें नज़र नहीं आ रहा। बात है वीडियो बनाने आए हैं, वो लोग छुप गए, सांप वाप जितने भी हैं वो छुप गए होंगे, क्या वीडियो हमारी ना बने, आवाम को ना पता लगेगा हमारे यहाँ सांप है, ऑडियंस को, हमारे व्यूवर्स को। सो भाई हम लोग अंदर जाते हुए तो मेरे बाल बाल सब ख़राब हो गए हवा से, और यहाँ पे हवा चल रही है, और अभी हम लोग यहाँ पे काफ़ी देर से मौजूद हैं, अभी मगरिब भी होने वाली है, एक सेकेंड हम लोग को सांप दिख गया, और अभी हम लोग सांप की वीडियो बना। दूर रहो तुम लोग, क्या बता किधर गया, इधर गया, यहाँ से यूँ आया, यहाँ से गया, यहाँ से यूँ आया। गाइस आप देख सकते हो ये सांप अपना जा रहा है यहाँ से, बिल्कुल ये इसके तो निशान है, और ये बिल के अंदर गया है, ये अपना मैं ज़ूम करके दिखाता हूँ, लेकिन दूर रहो तुम लोग ना, क्या पता लेकिन वो बच गया। गाइस ये सांप का मेरे ख्याल से बिल है, और ये इधर से अंदर गया, और ये आप देख सकते हो इसका निशान, तो हम लोग तो काफी पीछे हट जाते हैं, क्या पता वो वापसी आए। दो तीन दफा मैंने मारा है, बच गया। रिजवान थोड़ा दूर हो जाओ, तुम भी, रिजवान भी काफी दूर खड़ा हुआ है, लेकिन अभी ये आप देख सकते हो जगह भी, और ये निशान जा रहा है सांप के बिल का, इसको मारा है, अभी बच गए, बच के भाग गए। बाबा ने डंडा मारा है लेकिन बच गया, मारना नहीं है हमारे को, हम लोगों को सिर्फ वीडियो शूट करनी थी। बिल्कुल अभी स्पीड इतनी तेजी से भागे, नहीं पूछो। ये देख सकते हो आप गाइस, इसके अंदर सांप था, और इसके अंदर अभी सांप होगा, ये सांप का बिल है, और ये पूरा निशान बना हुआ है, इसका मतलब यही है कि इसके अंदर सांप था। किस कलर का था? ब्लैक कलर का था, ब्लैक कलर, ब्लैक कलर का सांप, लोगों का सांप नजर आ चुका है। बाबा ने सांप देख लिया, बाबा कह रहा है कि ब्लैक कलर का सांप था, मैं उधर खड़ा हुआ वीडियो बना रहा था, और बाबा ने उसको डंडा मारा, वो बिल के अंदर घुस गया। तो अभी तुम लोग यहाँ से थोड़ा दूर ही रहो, कि क्या पता वो वापसी हो जाए, हम लोग थोड़ा दूर हो जाते हैं, हम लोग आगे निकलते हैं। वीडियो शूट नहीं हो सकी क्योंकि इतना जल्दी में हुआ ये मामला कि हम लोग वीडियो शूट नहीं कर पाए, क्योंकि मैं काफ़ी दूर खड़ा था, और ये रिजवान भी काफ़ी दूर था। ऐसा गया, दो तीन दफ़ा मैंने वार किए डंडे के, लेकिन बच के भाग गया वो अंदर, बिल्कुल सामने बिल बना हुआ है,
यहाँ से स्पीड में यहाँ चला वो निशान भी है। रिजवान तूने भी देखा? हाँ मैंने देखा था हसन। अरे यार मैंने नहीं देखा क्योंकि मैं दूर था, मुझे पता नहीं था। बोलता हूँ साथ रहो अभी वो नजर आ जाता और अच्छा हो जाता। हाँ। भी अच्छा बन जाता। हाँ। इतना दूर जाके अकेले में वीडियो बनाओगे तो फिर यही होगा ना। अभी मैंने अभी जान पे खेल के उसको डंडे मारे वो काट देता। ये बात जबरदस्त है लेकिन मारना नहीं। क्या करता मैं? अभी हम लोग आगे जाते हैं देखते हैं। और बहुत बिल नजर आ रहे हैं हमारे को गाइस। अभी तकरीबन पांचवा छठा बिल नजर आया है सांप का। इसका मतलब यही है कि यहाँ पे बहुत सारे सांप हैं, इसलिए हम लोगों को थोड़ा एहतियात से यहाँ पे चलना पड़ रहा है क्योंकि कुछ पता नहीं है कहाँ पर सांप हो कहाँ पर ना हो। हमें सिर्फ व्लॉग बनाना है और हमें यहाँ से निकलना है। हमें सांप से दुश्मनी नहीं मोल लेनी। मेरे को बाबा सांप ढूंढते हुए और क्या पता अभी भी सांप मिल जाए क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे सांप हैं, ये तो हमें पता है कंफर्म है। तो अभी मेरे पैर पे लगा है कांटा, ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये आप देखो, ये मेरे पैर पे यहाँ पे लगा है, ठीक है, और यहाँ पे लगा है, ये मेरे पैरों में कांटे लगे हैं। तो इसका मतलब हम लोग काफ़ी आगे आ चुके हैं और अभी हम लोगों को वापसी भी जाना है। तो टाइम हो रहा है तकरीबन 6 बज रहे हैं, हमारे पास सिर्फ 1 घंटा है और 1 घंटे के अंदर अंदर हमारे को काफ़ी जगह देखनी है। आप देख सकते हो, आपको नज़र आएगा वो जगह। हम लोगों को वो जगह जानी है, वो जगह मेन है बाबा कह रहा है। वहाँ पे जाके जो शूट होगा और वहाँ पे जाके हमें सही पता लगेगा। क्या पता सांप अगर वीडियो में हो तो आपको दिखा दें। अव्वल एक सांप नज़र आया है और अभी आगे जा के देखते हैं क्या है क्या नहीं है। ये देख सकते हो आप, 7वां 8वां बिल है जो कि मैंने वीडियो में शूट नहीं करा, लेकिन ये आप देख सकते हो, ये भी सांप का ही बिल है और यहाँ पे भी हमने वीडियो शूट कर ली। रिजवान वो देखो काफ़ी आगे पहुँच गए। रिजवान थोड़ा एहतियात से भाई, क्योंकि यहाँ पे सांप ज़्यादा है, इनके बिल नज़र आ रहे हैं। क्योंकि जहाँ तक के सांप इंसान की आवाज़ से काफ़ी दूर भागते हैं, तो यही हो रहा है कि हम लोग अगर वहाँ पर थे तो हम लोग यहाँ पे हैं तो सांप यहाँ पर होगा तो आगे चला गया होगा, उसको हमारी आवाज़ आ रही होगी। क्योंकि यहाँ पे हमारे अलावा और कोई नहीं है और दूर हाईवे का रोड चल रहा है। हम लोग यहाँ पर तकरीबन काफ़ी लंबी ड्राइव करके हम लोग यहाँ पर पहुँचे हैं और अभी हम लोग यहाँ पे व्लॉग शूट कर रहे हैं। और हम लोग यहाँ से मगरिब होने से पहले हम लोग को यहाँ से निकलना है, तो मैं ये बार बार कह रहा हूँ इन लोगों को ताकि हम लोग यहाँ से गोली हों। लेकिन वहाँ तक हम लोग चलते हैं और वो विज़िट करते हैं और फिर निकलते हैं गाइस। बैठे हुए रिजवान, क्या हुआ भाई? यार थक गया हूँ, जगह बहुत खतरनाक है और कांटे बहुत हो रहे हैं यहाँ पे, फिर भी काफ़ी नज़र आए। लेकिन सांप मैंने देखा था वो बिल के अंदर, क्या हम आप लोगों को दिखा नहीं सके, लेकिन जगह बहुत खतरनाक है। देख सकते हैं आप, झाड़ियाँ हैं पीछे, सन्नाटा है बिल्कुल। हम 3 दिनों के अलावा और कोई है नहीं यहाँ पर। हाँ ये तो तुमने सही बोला। मैं तो बहुत थक चुका हूँ, पानी भी ख़त्म हो गया है, छोटी सी बोतल थी तो। हाँ। अब मैं स्नान से बोलता हूँ चलते हैं निकलते हैं क्योंकि टाइम भी ओवर हो रहा है। बस अब सांप अब नहीं निकलेंगे, रात में जब अंधेरा हो जाएगा फिर निकलेंगे, फिर हम दिखा नहीं सकेंगे आप लोगों को। हाँ भी थक चुका है रिजवान, मुझे बोल रहा है कि यहाँ से निकलो। मैं कह रहा हूँ रिजवान हम लोग थोड़ा आगे चले जाते हैं और फिर हम लोग क्या बोलते हैं शूट करते। यार वो क्या था, वो काला क्या था? गाइस चलते हैं फिर देखते हैं वहाँ पे क्या। भाई हम लोग अभी यहाँ से काफ़ी लंबा रास्ता तय करके आए, हमारी हालत बुरी हो गई है और हमें एक सांप भी दिखा जो बाबा ने देखा। और अभी हम लोग को यहाँ पे आप देख सकते हो हम लोग करीब आ गए। अभी हमारे को मैदान मिला है, अभी यहाँ पर थोड़ा सा देखते हैं यहाँ पर क्या है क्या नहीं है, क्या सीन है, फिर उसके बाद यहाँ से निकलेंगे। क्योंकि मेरे को रिजवान ने फ़ोन कर दिया कि यार यहाँ से चलो, क्योंकि यहाँ पर मेरे को सही नहीं लग रहा, काफ़ी वीरान है। और हम लोग तुम्हें पता है हम लोग रिस्क लेते हैं, हम रिस्क लेके यहाँ पे आए, वीडियो शूट कर रहे हैं और हमारे अलावा यहाँ पे कोई नहीं है। तो सो भाई हम लोग यहाँ से, हमने गाड़ी भी बहुत दूर पार्क करी हुई है, गाड़ी की भी टेंशन हो रही है। तो सो हम लोग अभी व्लॉग एंड करने वाले हैं, अभी यहाँ चलते हैं उसके बाद एंड करते हैं। सो ये एक तरह से मेरे ख्याल से रास्ता बना हुआ है, लेकिन ये रास्ता यूज़ कौन करेगा यार? और ये लोग सामने खड़े हैं, रेगिस्तान लग रहा है यहाँ पे, रेगिस्तान वाली मिट्टी है ये चारों तरफ बना हुआ है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा ये रास्ता कैसा है, बिल्कुल समझ नहीं आ रहा। चलो वहाँ चलते हैं, वहाँ देखते हैं क्या है। केयरफुल होकर चलना है क्योंकि सांप है यहाँ पे काफ़ी सारे हैं, लेकिन हमें नज़र नहीं आ रहे। और आप लोग मानो नहीं मानो, लेकिन यहाँ पे सांप हैं, जो मेरा दिल बोल रहा है क्यों बाबा ने देखा सांप और मैंने आपको दिखाया उसकी वो जो होती है निशान जो उस पर चला। और उसके बाद मानो आप ना मानो सांप यहाँ पर लाजमी है, इसलिए हम ब्लॉग शूट करने आए थे। हमारा इरादा था अगर कोई सांप होगा तो हम ब्लॉग शूट करेंगे, लेकिन इसके अलावा अभी हम लोग यहाँ तक पहुँच चुके हैं और यहाँ पे हमारे को कुछ गाड़ियों की आवाज़ भी आ रही है। सो भाई आगे चलते हैं और देखते हैं। देख सकते हैं छोटी सी पहाड़ी बनी हुई है, दोनों इसके ऊपर चढ़ गए। कैसा लग रहा है वहाँ से नज़ारा? मैं भी आ रहा हूँ भाई,
मैं अपने व्यूवर्स को दिखाऊंगा यहाँ पे नज़ारा। भाई अच्छा बहुत लग रहा है, हवा ऐसी आ रही है, तेज लग रही है हवा, इतनी हवा दे दे। चलो मैं भी आता हूँ, मैं भी आता हूँ। कैसे जा रहे हो यार तुम लोग ऊपर, बड़ी बात है। ओए होए, सो ये नीचे नहीं जाइए, नीचे नहीं जाओ बस। ये बात है भाई। ओए आते ये हम लोग आ गए। यहाँ ऊपर भी एक गुफा बिल बना हुआ है, लेकिन हम ज़्यादा दूर ध्यान नहीं देंगे। यहाँ देख सकते हो हम लोग कहाँ खड़े हो गए। ये पूरी एक तरह से पहाड़ी जा रही है, और ये जगह है और जहाँ से हम लोग चढ़ते हुए आ रहे। क्या हुआ बाबा? गिरना। हाँ ये बालू रेट है, तरफ नहीं गिरना। राइट, सो हे गाइस, अभी हम लोगों ने व्लॉग का एंड कर रहे हैं। अभी हम लोग काफ़ी बाहर आ चुके हैं, थोड़ी हरियाली नज़र आ रही है। तो फाइनली आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक करना, कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को क्लिक कर दें। अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। सो वही, गुड बाय।